तो इधर उत्तर प्रदेश में आज से कांग्रेस संपर्क यात्रा की शुरुआत कर रही है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की सलाह पर कांग्रेस आज से पहले चरण में बुंदेलखंड के सभी जिलों में 15 अप्रैल तक संपर्क यात्रा करेगी और इस यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता लोगों को मनरेगा और खाद्य सुरक्षा कानून जैसी योजनाओं के बारे में बताएंगे। कांग्रेस का प्लान है यूपीए सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी जाए और इसी के जरिए आम आदमी से संवाद भी किया जाएगा। मनरेगा और फूड सिक्योरिटी कानून का फायदा मोदी सरकार को नहीं मिले, इसके लिए कांग्रेस नेताएं सभाएं और बैठक करेंगे। तो प्रशांत किशोर के फॉर्मूले पर आगे बढ़ रही है कांग्रेस। अब जनसंपर्क अभियान लोगों के बीच जाकर बताने की कोशिश और कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई एक ऐसा पॉइंट जिस पर बीजेपी आगे निकल जाए, इसकी पूरी तरह से ध्यान और कोशिश इन तमाम मुद्दों को जो शायद यूपीए के वक्त में शुरू की गई थी, अब लोगों को एक बार फिर से याद दिलाने की कोशिश होगी। उत्तर प्रदेश में खासतौर पे जिस तरह से ये फॉर्मूला तैयार किया गया है प्रशांत किशोर की तरफ से, तो संपर्क यात्रा जिसकी आज से शुरुआत कर रही है कांग्रेस, पहला जो चरण है वो देखिए बहुत खास है, बुंदेलखंड। आपको जरा याद दिलाते हैं बुंदेलखंड क्यों सबसे ज्यादा टारगेट पर होता है। ये वो इलाका है जो सबसे ज्यादा बदहाल होता है, लेकिन चुनावों के बाद सबसे ज्यादा सुर्खियां भी बटोरता है। कल आपको याद दिलाते हैं मुख्यमंत्री भी गए वहां पर और अब आज कांग्रेस संपर्क यात्रा की शुरुआत कर रही है बुंदेलखंड से।